सेंट्रल पुल। ओके मैम, क्या कहना चाहिए? आज नया सॉन्ग लॉन्च हुआ है एंड हाउ मच यू एक्साइटमेंट पर्ल एंड अनीता सनंदन? And as a host also, I think the feelings, their chemistry is so amazing, the people are looking so good. So I really hope this song does great. And I wish Pearl all the very best for his new single. And I hope bahut sare gaane ho gaye, bahut sare videos aur banaye aur hum sab ko aise hi sing sake. ओके आजकल आप लोगों का भी मॉडल और आपका भी प्रोमो आउट हो गया अभी बना गया था, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ काम करके? क्योंकि उसमें भी प्यार हो गई है दिखाने में। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है पर्ल के साथ। हम लोगों ने प्रोमो शूट किया है और ज़्यादा अभी तक हम लोगों ने इतनी कोई बातचीत नहीं की है, इतना सारा शूट नहीं किया है। बट आई थिंक एक तो मोर में सेम जैसे हैं तो उससे काफ़ी फर्क पड़ता है। वी बॉन्डेड लाइक दैट बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट दैट वी बोथ बिलोंग टू द सेम सिटी, तो आपका एक इंस्टेंट कनेक्शन आपको फील होने लगता है। एंड आई थिंक पर्ल इज़ अ वेरी नाइस हार्टेड पर्सन। बाकी इट्स अ जर्नी जैसे मेरे पास पहुंच चुकी थी बात कि क्योंकि पर्ल उस दिन डिस्कस कर रहा था दैट इज न्यू सिंगल रिलीज, तो मुझे पता था। प्लस आई रियली एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक माई सेल्फ, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एंड देन उसका गाना मैंने आज सुना। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर हिम, ही शाइनिंग एंड आई वॉन्ट कि उसका ये वक्त चलता रहे। नागिन ही नागिन डिड सो गुड, प्लस मोस्ट डिजायरेबल मैन, ही हैज टॉप द लिस्ट। ओके यू नो टॉकिंग अबाउट योर शो बेपना प्यार, इससे पहले भी यू नो बेपना शो आता था कलर्स में, वो भी हिट था और कलर्स के बाकी दूसरे शोज भी बहुत बहुत हिट रहे हैं, तो प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है इस शो को लेकर? प्रेशर नहीं लेती, मैं प्रेशर बिल्कुल लेने वाली नहीं हूँ। ऑफकोर्स हर शो की अपनी अलग डेस्टिनी होती है, अलग एक्टर्स होते हैं, स्टोरी अलग है। सो जैसे कि उस शो को बेपना मोहब्बत मिली होगी, वैसे ही हमारा शो अलग है। आई नो कि ऑडियंस मिली लाइटिंग ऑफ शो एंड हम लोग के फैंस के शो को भी उतना ही प्यार देंगे। बेपना प्यार देते हैं, दैट्स द मंत्र ऑफ लाइफ। आई डोंट बिलीव इन प्रेशर एंड एनी नेगेटिविटी ऑन लाइफ। ओके मैम, साथ में जो टीम चले थे वो एल्बम की तरफ भी जा रहे हैं,